नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे YouTube चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। आइए आज मैं आपके साथ एक अलग ही तरह की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाने जा रही हूँ, और वो भी बेसन के साथ, और बहुत टेस्टी बनती है। और आप जब खाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। इसके लिए मैंने एक कटोरी चॉप्ड ऑन प्याज लिया है, बारीक काट लिया है प्याज को, और हरा धनिया एक कटोरी लिया है, उसको भी काट लिया है। साथ में मैंने लिया है एक कटोरी टमाटर, जिसको बारीक काट लिया है, और इसके साथ मैंने एक टेबलस्पून अदरक और एक टेबलस्पून लहसुन लिया है, जिसको बारीक काट लिया, और एक कटोरी मैंने बेसन लिया है। इसके अलावा हरी मिर्चें और लाल मिर्च ली है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और एक कटोरी मैंने इसमें पालक लिया है, इसको भी मैंने काट लिया है, और साथ में मैंने लिया है दो कटोरी आपके प्याज के पत्ते। अब हमें क्या करेंगे कि एक कढ़ाई लेंगे, उसमें दो टेबलस्पून मैंने तेल डाला है, और ये जो बेसन लिया था एक कटोरी, वो डाल के इसको बेसन को इसमें भूनेंगे। धीमी आंच रखें, ज़्यादा तेज आंच पे मत भूने, इसको धीमी आंच में भूनेंगे, क्योंकि हम बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं इस सब्जी में। इसलिए पहले मैं इन बेसन को पहले मैं भून रही हूँ, ताकि बेसन भुन जाए तो बाद में जब, क्योंकि सब्जियाँ हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पालक, प्याज के पत्ते, टमाटर, प्याज, ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो और बेसन को थोड़ा सेकना होता है, तो मैं इसको अलग से बेसन को सेक के फिर सब्जी में डालूंगी। और आप इस बेसन को सेकें, ये चार से पाँच मिनट में ये धीमी आंच पे सेकें, ये सिक जाएगी, और फर्स्ट क्लास सिक जाए। देखो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और देखिए रंग भी इसका गोल्डन हो गया है। और जब इसका रंग गोल्डन हो जाए और खुशबू आने लग जाए, आपका ये बेसन सेक के तैयार हो जाए, तब हम इसको हटा लेंगे। और अब एक दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, और इसमें मैंने दो टेबलस्पून ऑयल डाला है, और इसमें मैं एक टीस्पून राई का छौंक लगाऊंगी। और ये देखिए ये तेल गरम हो गया है, आप इसमें राई डालिए, राई को एक मिनट तड़कने दें, ये देखिए। और फिर इसके साथ मैं जो प्याज है, वो एक कटोरी प्याज जो था, उसको डाल के इसको हम भूनेंगे। एक से दो मिनट आप इसको हिला लें, ये देखिए फर्स्ट क्लास प्याज जो है आराम से फ्राई हो रहा है। और फिर हम इसमें हमारा जो लहसुन और अदरक है, जो मैंने बारीक काटे हुए हैं, उनको डाल दें, और इसको डाल के फिर हम एक दो मिनट चलाएंगे, ताकि हमारे लहसुन और जो अदरक है वो भी आराम से इसके प्याज के साथ और तेल के साथ घुल मिल जाएं और अच्छी सी दोस्ती कर लें। ये देखिए सब मिक्स हो गए, जान पहचान बढ़ गई है अब इनकी। मजाक कर रही हूँ। चलिए ये देखिए फर्स्ट क्लास भुन गया है, और अब हम इसमें, ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास दिख रहा है, और इनको आप 2 से 3 मिनट चलाएं, ताकि हमारे थोड़े से लहसुन और अदरक अच्छे से थोड़े से फ्राई भी हो जाएं, और ये प्याज भी अच्छे से थोड़े से हो जाएं। देखिए फर्स्ट क्लास लग रहे हैं। और आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अब जो हमने हरी और लाल मिर्च मैंने काट के रखी थी, वो डाल दें इसमें। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च और हरी मिर्च ज़्यादा भी यूज़ में ले सकते हैं, और अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो उसको नहीं भी ले सकते हैं, पर अगर डालते हैं थोड़ी सी तो अच्छा लगता है खाने में। और इसको डाल के भी एक मिनट चलाएं, और इसके बाद देखिए मैंने लाल मिर्च से, क्या है कि लाल और हरी मिर्च से कलर अच्छा आ रहा है। इसके साथ एक टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून नमक स्वाद अनुसार, और 2 टीस्पून आप लाल मिर्च पाउडर डालें, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, और मसाले जो मैं बताती हूँ वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। अगर आप कम नमक खाते हैं तो, स्पाइसी खाते हैं तो कम डालें। इसके बाद मैंने इसमें जो हमने एक कटोरी टमाटर बारीक काट के रखा था, वो डाल दिया है, और अब इसको टमाटर को डाल के और थोड़ी देर पकाएंगे, 2 से 3 मिनट इसको, 1 से 2-3 मिनट पकाएंगे। ये देखिए फर्स्ट क्लास पक रहा है। और मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और इसके बाद हम जो हमारे पास हरे प्याज के पत्ते थे 2 कटोरी, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और आपके पास अगर ज़्यादा हैं तो प्याज के पत्ते ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें 2 कटोरी डाले हैं। ये जो मैं रेशियो बताती हूँ, अगर आपको ज़्यादा भी चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब मैंने इसमें
पालक डाल दी है, एक कटोरी पालक थी वो पालक डाल दी है, और पालक और इसको डाल के हम 2-3 मिनट इसको पकाएंगे, क्योंकि हमारा बेसन ऑलरेडी सिका हुआ है, इसलिए बेसन डालने के बाद हमको ज़्यादा देर सेक सब्जी को सेकना नहीं पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी ये पालक और प्याज के पत्ते गल जाएं उतना ही। अभी पालक और प्याज के पत्ते डालने से क्या, ये पानी छोड़ते हैं, तो थोड़ा सा आपको इसका पानी जो है सुखाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप इसको 1-2 मिनट इसको चलाते रहें। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। और अब मैंने जो बेसन था वो मैंने इसमें डाल दिया, बेसन में मैंने थोड़ा सा पानी मिला के डाला है ताकि आराम से इसे मिल जाए, नहीं तो गुठली गुठली सा हो जाता। तो जब मैंने इसको पानी मिला के और इसमें बेसन डाल दिया, और अब आप इसको सब बेसन को पूरी सब्जी में अच्छी तरह से मिला दें, सारी सब्जी जो है इसके बेसन में लिपट जाए, ऐसे डाल दें, मिला दें फर्स्ट क्लास। देखिए कितना बढ़िया से सब्जी एक दूसरे से मिल गई है, ये देखिए फर्स्ट क्लास मिल गई है। और अब इसमें जो है मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, ये देखिए फर्स्ट क्लास मिल गई है, और इसको इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ताकि आप थोड़ा सा पानी 2-3 कड़छी पानी डाल दीजिए, ताकि जो बेसन है और ये थोड़ा सा और अच्छी तरह से सारी सब्जियाँ मिल जाए हमारी सब्जी, क्योंकि हमने बेसन पहले ही भून लिया था, तो हमारी सब्जी जो है अब 1 मिनट में बनके तैयार हो गई है। और ये देखिए कितनी सुंदर सब्जी लग रही है, और यकीन मानिए बहुत टेस्टी सब्जी होती है, आप ऐसे सीधे बिना रोटी उसके भी खा सकते हैं, उसको रोटी चावल दाल किसी के साथ भी खा सकते हैं, और बहुत टेस्टी सब्जी होती है, एक बार ज़रूर बनाएं, यकीनन आपके घर पे सबको बहुत पसंद आएगी। जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में अच्छी सी रेसिपी लेके, जब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, राम राम, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।